देखिए सीधी सी बात, मुझे बढ़िया खाना पसंद है, बढ़िया लोग पसंद है और बढ़िया लोगों के साथ खाना खाना पसंद है। मतलब फुल फूडी गैंग जब एक साथ मिलता है, खाता है, बढ़िया बातें होती हैं। और जो लोग खाना खाना पसंद करते हैं ना, वो बेस्ट लोग होते हैं। ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट होते हैं क्योंकि बढ़िया खाना बनाने वाले एक्चुअली बेस्ट लोग होते हैं। सोचना जो मैंने भी बोला ना। आज की जो हमारी डिश है वो एक चाट भी है और वो सैलेड भी है। कौन चाट सैलेड, सिंपल है, यमी है। मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो कौन चाट सैलेड शुरू करते हैं। कॉर्न चाट सैलेड बनाने के लिए ना आप ले सकते हैं ये अमेरिकन कॉर्न निबलेट्स। अगर आप चाहें तो फुल मक्का होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्न को उबालेंगे। और देखिए मक्की को जब हम उबालेंगे ना, हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही दूध में मक्की उबलती है ना, एक बहुत ही बढ़िया बटरी सा एक टेस्ट आता है उसके अंदर। और हाँ, क्योंकि इतनी अमीरी भी नहीं है कि पूरी कॉर्न ही हम दूध में उबालें, तो जितना दूध डाले उतना पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्चुअली, ताकि जो कॉर्न है वो अच्छे से नमक को पी ले, थोड़ा सा पेपर। तो इस स्टेज पे अगर कोई भी फ्लेवर आप कॉर्न के अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटा चम्मच मक्खन का भी डाल सकते हैं, एक बहुत ही बटरी सा फाइनल टेस्ट आएगा इसका। इसे उबालना है 5 मिनट के लिए। जब तक ये उबलता है हम तैयार करते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ अमचूर। अब सौंठ की चटनी अगर आपके पास है चलेगी, लेकिन सौंठ की चटनी नहीं है उसे बनाने में समय लगता है, और इमली हर बार घर पर होती नहीं, लेकिन अमचूर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर सभी के घर पर होती है। अमचूर के अंदर थोड़ा सा मैं पानी मिला रहा हूँ इसी बोल में, ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अदरवाइज स्ट्रेट पानी में डालेंगे ना इसमें गुठली बढ़ जाती है। अब पैन में डालेंगे पानी, इसमें जाएगा ये अमचूर, ये चिली पाउडर, इसमें जाएगा काला नमक, रेगुलर सॉल्ट, खट्टा हो गया इसको मीठा करने के लिए चीनी, ये है जीरा। जीरे को मैंने भून लिया है तवे के ऊपर, इसे क्रश करना है बस। जब भी भुना हुआ जीरा उसकी खुशबू आती है ना, मुझे रायते की याद आती है, पता नहीं क्यों। आपके साथ भी होता है क्या? दरदरा कूटा इसे, और ये जाएगा चटनी के अंदर। नाउ गिव अ क्विक बॉयल। होता क्या है कि ये चटनी ना बड़ी जल्दी बनती है, और ये जो चटनी है ना ये हमारी कॉर्न चाट सैलेड की जान है। और क्योंकि अमचूर से बनी है, अमचूर की ना फितरत है जैसे आप उसको पानी में घोल के उबालते हैं गाढ़ी हो जाती है बहुत जल्दी, ब्यूटीफुल। इसको थिक होने देंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। तब तक चलते हैं कॉर्न की तरफ। और ये देखिए जो कॉर्न है ना, एकदम बढ़िया जूसी कॉर्न, वाव, इसे छान लेंगे। दिस इज इजी। ब्यूटीफुल। अब इस कॉर्न को हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, और ये जो दूध पानी और सॉल्ट का जो हमारा ये पानी बचा हुआ है बेसिकली, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न का फ्लेवर है, या फिर आप इससे रोटी का आटा भी गूंथ सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेस्ट इट। परफेक्ट। इसे रखेंगे एक तरफ, चटनी को बंद करेंगे, एंड लुक एट दिस, क्या बढ़िया शाइन आई है, थिक हो गई है, जरा सी पतली है लेकिन ठंडी होने के बाद अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। सो इस स्टेज पे इस चटनी को बंद करके टोटली ठंडा करना है। जब तक ये मक्की और चटनी ठंडी होती है, आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट चाट कौन सी है, और उस चाट वाले भाई का नाम या उस गली का, उस शहर नुक्कड़ का नाम क्या है, ताकि कभी मैं वहां जाऊं तो मुझे पता तो यार यहां की फलानी चाट बहुत बढ़िया खानी चाहिए। ये कॉर्न। अब कॉर्न के ऊपर हम डालेंगे मनचाही सब्जियां। ये है प्याज डाइस किया हुआ, ये है पेपर्स, बेसिकली रेड कैप्सिकम है, ग्रीन भी डाल सकते हैं, थोड़ी स्ट्रांग होती है इसलिए मैंने रेड कैप्सिकम डाली है। हरा प्याज, क्योंकि द कलर्स ब्यूटीफुल। और किसी ने बिल्कुल खूब कहा है, जितने कलर्स होंगे आपके खाने में या एक डिश में उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस वो डिश होगी। जी हाँ। नाउ
हीरा विद स्किन। देखिए द आइडिया इज कि जो सब्जी आपको पसंद हो ना आप वो डाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जाएगा काला नमक, चाट है तो चाट मसाला, और हमारी ये अमचूर की चटनी। मेरे पास है ये सलाद पत्ता। देखिए सलाद पत्ता जब भी आप इस्तेमाल करें उसे अच्छे से धोकर आपको फिर इस्तेमाल करना है। हल्के हाथ से उसे पकड़कर यूं पतला लंबा लंबा मैं काट रहा हूं। ये है नींबू, एंटायरली ऑप्शनल है क्योंकि जो चटनी है वो खट्टी है, लेकिन जरा सा नींबू ना एक बहुत ही बढ़िया फ्रेशनेस देता है सैलेड के अंदर। नाउ सिंपली इसे हमें मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं आपस में मिल जाए। ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया कलर्स हैं इसके। टू गुड, चलिए प्लेट करते हैं। चाट भी सैलेड भी डन। टू गुड।